हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या क्या सिखाने वाला हूं, आइए आपको बताता हूं। यहां पर देख सकते हैं एक छोटा सा डेटा है हमारे पास और यहां पर एक ब्लैंक रो इंसर्ट किया है मैंने, ठीक है। यहां पर भी इंसर्ट किया है, ये देख सकते हैं, और आप एक ब्लैंक सेल भी इंसर्ट करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर जाएंगे तो ये एक ब्लैंक सेल जो है डाउन में इंसर्ट करा लेते हैं हम। तो ये देखिए, ये ब्लैंक सेल इंसर्ट करा लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक ब्लैंक सेल है, और भी कहीं अगर ब्लैंक सेल चाहते हो आप तो यहाँ पे जाकर के इसको ब्लैंक कर देते हैं। तो यहाँ से इंसर्ट पे जाके और यहाँ पे ब्लैंक सेल कर देते हैं हम। तो ये सेल कर दिया हमने, देख सकते हैं कि इसमें कई सेल भी ब्लैंक है। तो यहाँ पर एक ब्लैंक सेल है हमारे पास, देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं ये दो ब्लैंक सेल है। अगर आप चाहें तो कोई और भी ब्लैंक सेल इंसर्ट करा सकते हैं, तो यहाँ पर जाकर के राइट क्लिक करके भी आप ब्लैंक सेल इंसर्ट करा सकते हैं। तो हमें कहाँ इंसर्ट कराना है, हमें ये ब्लैंक सेल जो है डाउन में इंसर्ट कराना है। तो यहाँ पे डाउन पे क्लिक कर देते हैं तो ये भी ब्लैंक हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर काफी सारा डेटा हमारे पास ब्लैंक हो चुका है। अब क्या करना है, इस पूरे डेटा को सिलेक्शन में लेना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि केवल वही वाला सेल हाईलाइट हो जो कि ब्लैंक है। तो आप पूरे डेटा को सिलेक्शन में लीजिए और आपको करना क्या है, कंट्रोल जी प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये विंडो ओपन होगी, गो टू वाली, बस स्पेशल पे क्लिक कर दीजिएगा। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ब्लैंक दिखाई पड़ेगा आपको, तो ये ब्लैंक पर टिक कर दीजिए। जैसे ही ब्लैंक पर टिक करेंगे तो केवल ब्लैंक वाली सेल्स और रोज और कॉलम्स ही सिलेक्शन में आएंगे। तो बस ब्लैंक पर जा करके ओके कीजिए, देखिए सारे ब्लैंक वाले ही सिलेक्शन में आए हुए हैं। अब यहां पर आप क्लिक कर दीजिए, जो भी कलर चाहते हो इसमें फिल करना, उस कलर पे क्लिक कर दीजिए, जा करके वही कलर फिल हो जाएगा। अगर आपको ये कलर नहीं चाहिए तो कोई और कलर भी ले सकते हैं, लाइक ब्लैक चाहिए तो ये ब्लैक कर दिया मैंने। तो ये वो तरीका है जिससे आप ब्लैंक सेल को आसानी के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, रो को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।